नमस्कार, मैं मनीषा पाटीदार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित वात्सल्य गृह बाल आश्रम, जहां अनेकों लावारिस, त्यागी एवं अनाथ बच्चों को रखा जाता है एवं उनका पालन पोषण किया जाता है, उसी आश्रम में 19 माह से पल रही इशिता के नसीब में आया अमेरिका के माता पिता का प्यार। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा संचालित कारासाइट से अमेरिका के दंपति को नीमच में पल रही इशिता का पता चला और उन्होंने उपरोक्त बालिका को गोद लेने की ठान ली। करीब 2 माह पहले अमेरिका के दंपति कारासाइट के माध्यम से नीमच पहुंचे और उपरोक्त बच्ची से मुलाकात के बाद उसके प्रेम में वशीभूत हो गए हैं। बालिका से मुलाकात के बाद अमेरिका के दंपति ने बच्चे की गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही 5 दिसम्बर गुरुवार को नीमच आए और महिला बाल विकास अधिकारी एवं बाल आश्रम के संचालिका उषा गुप्ता के द्वारा इशिता को रजिस्ट्रार ऑफिस एवं जिला एवं सत्र न्यायालय से पूरी लिखापढ़ी के बाद गोद नामा की शर्तें के अनुरूप अमेरिका के दंपति को सौंपा गया है। बाल आश्रम की संचालिका उषा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इशिता से पूर्व भी एक बालक यूरोप और एक बालिका दुबई के परिवार को सौंपी गई थी, जिसका पालन पोषण भी सुव्यवस्थित ढंग से उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका सराय दंपति ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वह यूनाइटेड स्टेट ICPC अमेरिका के रहने वाले हैं। वही एरिका मेगन हैंकॉक, जो कि एक स्पीक लैंग्वेज टीचर है, एवं उसका पति माइकल थॉमस कॉरी हैंकॉक, जो कि एक फाइनेंस रिसर्च कंपनी के CPC के पद पर पदस्थ है। वही इशिका का नाम बदलकर अब मिली थॉमस हैंकॉक रखा गया है, जिसे वहां अपने साथ अमेरिका ले जा रहे हैं, जिसका नीमच में जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया है एवं कलेक्टर कार्यालय स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस से पूर्ण लिखापढ़ी के पश्चात मिली थॉमस को उन्हें सौंप दिया गया है। गुरुवार शाम को वह नीमच से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यहां पर मिली थॉमस की कारा कार्यालय पर अन्य लिखापढ़ी पर मिली का पासपोर्ट एवं वीजा बनवाने के पश्चात अमेरिका रवाना होंगे। United States in Mississippi. I'm an accountant there in the States for I work for Mississippi State University. So we started the adoption process with Lifeline Adoption Services, and we were matched with the child in Nimitz in India. Her name would be Millie Thomas Hancock. I'm a CPA, which is a certified public accountant, and I do public accounting, but I also work for the university in the accounting department there. Finance director for a research center. Well, we're great. We're happy. Very excited. we started our adoption process in July of 2018. We've always wanted to adopt. It was never a plan B for us. We know that there are many wonderful children who need a loving family, and we're just privileged that we can be able to provide that for her. Have you ever? This is actually our second visit. We were here last month for court, and we've enjoyed both visits, and we just thank everyone so much for their hospitality and their kindness here in Nimitz. And I have a coworker that has been helpful for me, and he's actually getting married next week in Indore. Yes. We have several friends from India in our home in Starkville, and so we just think they're great people, and we really fell in love with the culture, and so that is what led us here to India to pursue adoption, and we're just thrilled. मिली जानकारी के अनुसार इशिता उर्फ मिली मार्च 2018 को एक दिन की जन्मी हालत में मंसूर कच्चे के ढेर पर पुलिस को मिली थी, जिसे पुलिस द्वारा नीमच आश्रम वात्सल्य गृह के सुपुर्द किया गया था। तभी से उपरोक्त बालिका का यहाँ पालन पोषण किया जा रहा था और गुरुवार को जब इसकी नीमच से विदाई हुई तो वात्सल्य गृह की संचालिका उषा गुप्ता की आंखों से आंसू छलक आए। ये अमेरिका जा रही है और अमेरिका में उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। ये दस्तावेज उन्होंने पूरे अपने साइट पे दिए हैं और शासन के थ्रू जा रही है, शासन से शासन इसकी निगरानी करेगा। मैम, अभी इस बालिका का नाम क्या है और आपके यहाँ क्या था? बालिका का नाम इशिता था अपने यहाँ पे, और आज उसका नाम उन्होंने मिली रखा। और माता पिता कौन है? माता पिता फॉरेनर ही है, उधर के ही रहने वाले लोग। नाम अगर इतने महीने आपके साथ रही है, तब आपको कैसा लग रहा है? मैं आज शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए हैं। इतने दिन हम पालने के बाद बालिकाओं को देते, तो मुझे बड़ा दुख होता है। वो जैसे किसी बेटी की शादी करके उसको विदा करते हैं, वही दुख मुझे हो रहा है। मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि नीमच से बालिका जा रही है, तो नीमच के लोगों को भी गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ से कोई सड़क पर फेंका हुआ बच्चा भी इतना सात समंदर पार जा रहा है।
आपका नाम? रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।